नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार सीनियर लेक्चरर हिंदी। आज मैं आपके सामने एक विषय के साथ उपस्थित हूँ, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हम और आप सभी जानते हैं कि भाषा की धारा कभी भी ठहरती नहीं है, सदैव अग्रसर होती रहती है। भाषा का जो प्राचीनतम रूप हमें देखने को मिलता था वैदिक संस्कृत के रूप में, आज वहां से चलते चलते उत्तर भारत में हमें कई तरह के भाषाएं देखने को मिलती हैं। ये सफर इन्होंने किस तरह से तय किया? आज जो भी भाषाएं उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं, यहां तक हम किस तरह से पहुंचे? कोशिश करते हैं जानने की कि वैदिक संस्कृत से चलती हुई जो भाषा आज पूरे उत्तर भारत में अलग अलग ढंग से बोली जाती है, किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से ये यहां तक पहुंची। तो आइए बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, किस तरह से हिंदी वैदिक संस्कृत से चलती हुई लौकिक संस्कृत पाली प्राकृत का सफर तय करती हुई आज जो भाषा हम और आप बोलते हैं सुनते हैं वहां तक किस तरह से पहुंची। जैसा कि मैंने कहा कि भाषा की धारा सदैव निरंतर बहती चली जाती है और भाषा में परिवर्तन आते चले जाते हैं। इस तरह से जो प्राचीनतम रूप हमें भाषा का देखने को मिलता है वह वैदिक संस्कृत का, जो वेदों में मिलता है। भाषा का प्रवाह चलता रहा, आगे चलकर ये लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई, तत्पश्चात पाली, फिर प्राकृत का सफर तय करती हुई अपभ्रंश तक। वैदिक संस्कृत से सफर करते हुए उत्तर भारत में हमें आजकल कई तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं। ये अलग अलग तरह की भाषाएं किस तरह से विकसित हुई, अगर ये सामने हमारे एक चार्ट है इसको हम देख लें तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वैदिक संस्कृत से चलकर अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ जो आज पूरे उत्तर भारत में बोली और समझी जाती है। वैदिक संस्कृत जो प्राचीनतम रूप हमें भाषा का देखने को मिलता है वो वेदों में मिलता है। हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद को पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वैदिक संस्कृत चार वेदों में हमें देखने को मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे चार वेद हैं। भाषा का प्राचीनतम रूप तो हमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आगे चलकर भाषा और विकसित हुई, भाषा में परिवर्तन हुए तो लौकिक संस्कृत हमारे सामने आई, ये बोलचाल की भाषा बन गई। इसमें कई तरह के ग्रंथ जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वाल्मीकि का रामायण, वेद व्यास का महाभारत, कालिदास एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, नाटक लिखे। भाषा विकसित हुई, आगे चलकर फिर पाली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें इसी भाषा में देखने को मिलती हैं। धम्मपद उनका जो ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपनी भाषाएं, अपनी जो शिक्षाएं हैं उसको हमारे सामने रखा है, तो पाली भाषा का ही प्रयोग उन्होंने अधिकतर किया है। प्राकृत भाषा, कई पाली को भी प्राकृत मानते हैं, हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया जो प्राकृत का एक व्याकरण भी माना जाता है, तो उन्होंने एक तरह से प्राकृत भाषा को पूरे व्याकरण में बांधा। भाषा जैसा कि मैंने कहा कि फिर से आगे बढ़ती चली गई और उत्तर भारत में हमें कई तरह की अपभ्रंश भाषाएं देखने को, ये छह तरह की अपभ्रंश भाषाएं हमें देखने को मिली, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री, पेशाची, मावधी, अर्धमागधी और ब्राह्मण। हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, आज खड़ी बोली जो हम और आप समझते और बोलते हैं, तो ये जो भाषा थी ये शोरसेनी जो अपभ्रंश थी उसमें से विकसित हुई। शोरसेनी अपभ्रंश में से चार तरह की भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी में से खड़ी बोली जो मैं इस समय बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा में से जो राजस्थानी अपभ्रंश थी शोर से, उसमें से मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी का विकास हुआ। गुजराती हम सभी जानते हैं, ये भी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। इसी तरह पहाड़ी भाषा जो
शोर सैनी अपभ्रंश से ही विकसित है, उसमें से गढ़वाली और डोगरी हमारे क्षेत्र की भाषा है, हिमाचल में बोली जाती है। तो ये सारी की सारी भाषाएं जो थी शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश थी जिसमें से मराठी विकसित हुई, पेशाची अपभ्रंश है जिसमें से लहजा पंजाबी विकसित हुई, मागधी है जिसमें से बिहारी बंगाली और उड़िया विकसित हुई, बिहारी की उपभाषाएं जैसे मैथिली मगही और भोजपुरी इसी में से विकसित हुई, अर्धमागधी में से पूर्वी हिंदी और असमिया, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही अवधी वगेली और छत्तीसगढ़ी आदि और ब्राजर जिसमें से सिंधी भी। अगर ये सामने रखा हुआ चार्ट आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें तो आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में जो भी भाषाएं विकसित किस किस अपभ्रंश से विकसित। यदि हम संक्षेप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो स्वरूप आज हम देखते हैं उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए विभिन्न सोपानों में से गुजरना पड़ा। हिंदी भाषा का संबंध आर्य भाषा परिवार से है, विद्वानों ने इसे भारूपीय परिवार की भाषा कहा है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए हमें अतीत की गहराइयों में झांकना होगा, जो कि हमने पीछे झांका अभी। भाषा का प्राचीनतम रूप जो उपलब्ध है वह वैदिक संस्कृत, आगे चलकर लौकिक संस्कृत का प्रसार हुआ। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आए और ये पाली प्राकृत का सफर करते हुए अपभ्रंश तक पहुंची। उत्तर भारत में 6 तरह की अपभ्रंश भाषाएं देखने को मिलती हैं: शौर सैनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी, ब्राजर, जो मैंने पीछे आपसे बात की। इसमें से शौर सैनी अपभ्रंश में से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में से जिन भाषाओं का विकास हुआ वे थी खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि खड़ी बोली का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। मुगलों के शासनकाल में अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा, इस तरह से उर्दू सामने आई। जब खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ तो उसे शुद्ध हिंदी कहा गया। 1375 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक ब्रज भाषा का बोलबाला रहा, अधिकतर साहित्य इसी भाषा में लिखा गया। सूरदास बहुत बड़े प्रसिद्ध हमारे कवि हुए हैं, उन्होंने ब्रज में ही अधिकतर लिखा। बाकी भी जो प्रसिद्ध कवि हुए उस समय के, इवन के जो हमारे तुलसीदास थे, उन्होंने यूं तो अवधी भाषा में लिखा, लेकिन कुछ ग्रंथ उनके ब्रज भाषा में भी देखने को मिलते हैं। आधुनिक युग में खड़ी बोली का कद बढ़ने लगा। छापे खानों के आने से और साहित्य में गद्य की नई नई विधाएं आने से साहित्य को हिंदी खड़ी बोली में लिखना आसान हो गया। अतः साहित्यकारों ने अधिकतर इसी को अपनाया और इस तरह खड़ी बोली ने भाषा का रूप ले लिया। भारतेंदु युग में इसने अगड़ाई ली। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में इसने अगड़ाई ली, द्वेदी युग में जे उठ खड़ी हुई और छायावाद आते आते जे सर पर दौड़ने लगी। जब भाषा कभी मात्र मेरठ, मुजफ्फरनगर, अम्बाला के आसपास बोली जाती थी, आज पूरा भारत उसे समझता और बोलता है। आज यह भाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का रूप ले चुकी है और इसे राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ये तो था संक्षेप में जो हमने हिंदी भाषा जो आज हम बोलते और आप समझते हैं, आप बोलते और हम समझते हैं, आपस में उत्तर भारत में बोली और समझी जाती है, पूरा भारत इसे समझता है, इसके विषय में संक्षेप में हमने बात। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि भाषा का जो प्राचीनतम रूप आज हमें उपलब्ध है वो है वैदिक संस्कृत। अब ये वैदिक संस्कृत क्या थी? वैदिक संस्कृत अर्थात वेदों में लिखी गई भाषा। जो वेदों में संस्कृत लिखी गई उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। चार वेद हमें उपलब्ध हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। तो इनके विषय में बात करेंगे। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोपरि सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है।
वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया है, उन्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को ज्ञान कर, समझ कर, मनन कर, उनकी अनुभूति कर, उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इस जगत, इस जीवन एवं परम पिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने वैदिक संस्कृत को कभी सुना है? आपने कभी सुना है? हम सबने कभी ना कभी वैदिक संस्कृत को सुना है। विशेषकर हिंदू धर्म में जितने भी संस्कार किए जाते हैं उनमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जो पंडित लोग करवाने आते हैं वो करते हैं। आपने कई बार वो वैदिक मंत्र सुने होंगे, यदि आप किसी ऐसे समारोह में सम्मिलित हुए हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, वही वैदिक मंत्र है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, पुरुष एवेदवं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतावृतस्यानो यदन्नेनाधिरोहति। ये संभवतः आपने सुना हो, अगर नहीं तो जो मैं अगला एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो आपने अवश्य सुना होगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। देखें, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी यात्रा प्रारंभ हुई, वहां से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि वैदिक संस्कृत से चलकर भाषाएं उत्तर भारत की लगभग समस्त भाषाएं विकसित हुई, तो जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया वैदिक संस्कृत का, संभवतः हमने और आपने सुना होगा, लेकिन हम संभवतः आप नहीं जानते होंगे कि ये वैदिक संस्कृत वेद मंत्र है। तो वही भाषा जो उस समय वेदों में समाहित होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वैदिक संस्कृत से चलकर आगे चलकर लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, तो प्राचीन आर्य भाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। भारत में वेदों के बाद रामायण महाभारत से लेकर अब तक संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि संस्कृत के महान विभूतियां हुई हैं। संस्कृत के अध्ययन के कारण ही यूरोप में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ। विश्व विख्यात महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा का श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम वास्तव में कालिदास द्वारा लिखा गया था, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो उसके कुछ श्लोक हैं बड़े प्रसिद्ध हुए, जिनके विषय में बहुत कुछ कहा गया। यास्यति यद्य शकुन्तले संस्पृष्टं मुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित, इस तरह के जो श्लोक हैं। आगे लगभग चौथी शताब्दी या सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में बद्ध करके एक रूपता प्रदान की। संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 48 है। तो यहाँ तक पाणिनि के व्याकरण का संबंध है, विषय से मिलती जुलती चीजें हैं। अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान इनका साथ लेकर चले तो मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसलिए मैं जिस तरह से वैदिक संस्कृत का मैंने आपको उदाहरण दिया, आगे चलकर लौकिक संस्कृत का दूंगा। यहाँ पाणिनि के व्याकरण की बात आई है तो थोड़ा सा मैं उसके विषय में भी बता दूँ कि एक सबसे वैज्ञानिक जो व्याकरण है पाणिनि की, अष्टाध्यायी, तो जिसने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधा, वो बड़ी वैज्ञानिक है। उसके विषय में माना जाता है कि पाणिनि ने जब शिव की उपासना की तो शिव प्रकट हुए, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, उसमें से जो ध्वनि निकली वो शिव सूत्र कहलाए। उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर आगे जाकर पाणिनि ने अपने व्याकरण की रचना की। वो सूत्र इस तरह से, जिस तरह से अ ई उन ऋ ऋ ए अं ए औ, इस तरह के वो सूत्र थे। वो 14 सूत्र थे जिसको आधार बनाकर ये पूरा का पूरा पाणिनि
संस्कृत के कुछ उदाहरण। आपने लौकिक संस्कृत के उदाहरणों को कई जगह विद्यालयों में कोटेशनों के रूप में लिखा हुआ देखा हुआ दीवारों में, तो हमें और आपको पता होना चाहिए कि ये लौकिक संस्कृत है। जिस तरह से विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम, अर्थात विद्या से धन मिलता है, विद्या जो है वो विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं। जैसे कहा गया, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहा, तो हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ इस तरह का ज्ञान हमें होना चाहिए। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं हो सकता, और जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं हो सकता, और जो मित्र नहीं है जिसका कोई मित्र नहीं है उसका उसको सुख की प्राप्ति कहा। और एक उदाहरण वार्तालाप की दृष्टि से देखिए, एष कहा, एषा कुंभकारा, एषा किं करोति, सा घटं करोति। ये जो भाषा का स्वरूप था, ये लौकिक संस्कृत का स्वरूप था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत से ग्रंथ इसमें लिखे गए, जैसे रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास के, कालिदास के कई ग्रंथ, और बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने लौकिक संस्कृत में लिखा। तो यह कुछ ग्रंथ जो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। महाभारत आप सभी जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन पूरा का पूरा इसमें है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई, जैसे राम सीता और लक्ष्मण, पूरी की पूरी कथा इनकी है। और विज्ञान शाकुंतलम के विषय में मैंने आपसे पहले बात की। इस तरह के बहुत से ग्रंथ हैं जो हमारी लौकिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत के पश्चात फिर से भाषा आगे बढ़ती गई, भाषा में कई परिवर्तन हुए, तो पाली के रूप में भी भाषा हमारे सामने है। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। भगवान बुद्ध भी इन्हीं प्रदेशों में विहरण करते हुए लोगों को धर्म समझाते रहे। आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए पाली प्राचीन हिंदी है। ये हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में एक परिवार की एक बोली है, या प्राकृत कह सकते हैं। इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है, और पाली जो भाषा ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। और महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, उनका एक ग्रंथ है धम्मपद, जिसमें उनके उपदेश संग्रहित हैं, तो वो पाली भाषा में लिखे गए। ये कुछ उदाहरण है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरह से संस्कृत से भाषा पाली की तरफ आगे बढ़ी। जो तद्भव शब्द किस तरह से सामने आए, जैसे अक्षर संस्कृत में होता है अक्षर, पाली में लिखा गया, आर्य को आर्य लिखा गया, भिक्षु को भिक्खु लिखा गया, चक्र को चक्र लिखा गया, धर्म को धम लिखा गया, दुख को दुख लिखा गया, कर्म को कम लिखा गया। इस तरह के कई उदाहरण हैं। और आज हम जो खड़ी बोली हिंदी में कई शब्द ऐसे बोलते हैं जो संस्कृत में तत्सम रूप में भी हमारे पास आए हैं, और उनके तद्भव रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भाषा विकसित होती हुई किस तरह से आगे बढ़ती चली गई, इस माध्यम से हम बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं पाली भाषा के, इस तरह बुद्धज शरणज गच्छामि, धर्मज शरणज गच्छामि, संघज शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का संस्कृत रूप हो सकता था, उसको पाली में किस तरह से परिवर्तित करके सामने लाया गया। तो इस तरह से भाषा विकसित हुई, पाली तक पहुंची। इस तरह के कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक, कई लोग पाली को भी प्राकृतिक भाषा का ही रूप मानते हैं, तो कई तरह की पांडुलिपियां उसमें लिखी हुई हमें मिलती हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ किस तरह से प्राकृत में कई पांडुलिपियां लिखी गई हैं, तो ये आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश के नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है, जैसे पतंजलि हुए, उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है। परंतु भरत मुनि आचार्य हुए हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, प्रथम वह ऐसी रचना है जिसमें अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है। वहां अभीरों की बोली को
जिसमें उ का प्रयोग बहुत अधिक होता है, अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश भाषा का ढांचा लगभग वही है जिसका विवरण हेमचंद्र के हेम शब्दानुशासन के आठवें अध्याय में के चतुर्थ पाद में मिलता है। संभवतः ये आपके इतना अध्ययन की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम भाषा का उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान अगर इसका भी हमारे साथ चलता चले तो अच्छी बात है। अपभ्रंश साहित्य की प्राप्त रचनाओं का अधिकांश जैन काव्य है, अर्थात रचनाकार जैन थे, और प्रबंध तथा मुक्तक सभी काव्यों की वस्तु जैन दर्शन तथा पुराणों से प्रेरित है। सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास ये हुए, इन्होंने राम की कथा को लेकर पौन चर्यु तथा महाभारत की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे पौन चर्यु, रिठनेमी चर्यु, पंचमी चर्यु, स्वयं भूषण इत्यादि। तो और भी कई तरह की जैन कवियों की रचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और अधिकतर जो उनका स्वरूप है वो अपभ्रंश भाषा का है। जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो हमारा कंसर्न ये रहता है कि उस पर अधिक से अधिक बातें की जाए जिससे कि अधिक से अधिक ज्ञान प्रेषित हो सके। आपके संदर्भ में जो जो चीजें चाहिए मैं अभी डिस्कस करूंगा उनके विषय में, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 6वीं शताब्दी में वामा ने एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कविता को संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश के रूप में वर्गीकृत किया। 6वीं शताब्दी तक अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी और ये एक रूढ़िबद्ध शैली में कायम रही। यहाँ तक कि नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के साथ भी इसका अस्तित्व बना रहा। अब भी अपभ्रंश सिर्फ कविता की भाषा के रूप में ज्ञात है क्योंकि कोई भी गद्य या नाटक की रचना इस भाषा में हमें नहीं मिलती। अधिकांश वर्तमान साहित्य जैन पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है। इस भाषा की कुछ शास्त्रीय रचनाएं हैं। 8वीं शताब्दी में स्वयंभू ने उन्होंने एक रामायण जैन संस्करण पौनचर्यु रखा, पद्मचर्यु का अपभ्रंश है पौनचर्यु। 10वीं शताब्दी के पुष्पदंत द्वारा लिखित महापुराण जिसमें 63 जैन चरित्रों के जीवन पर आधारित है, जो और नाय कुमार चर्यु 10वीं शताब्दी के धनपाल की भविष्य कथा और 11वीं शताब्दी के पद्म कीर्ति की पसनाहु चर्यु है। ये सारे के सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं दोहा छंद, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है और एक स्वतंत्र अवधारणा को मूर्तिमान करता है। अपभ्रंश का लोकप्रिय साहित्यिक रूप स्वरूप है। दोहों के कुछ उल्लेखनीय संकलन हैं। 7वीं शताब्दी में देवसेन की रचना स्वयं धम दोहा और 8वीं शताब्दी की कान्हा की रचना दोहा कोश इत्यादि हमें देखने को मिलती है। हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में प्राकृत व्याकरण पर अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की व्यापक विवेचना की है। कहा जाता है कि उनकी टिप्पणियां पश्चिमी बोलियों पर आधारित थी। संभावना है कि उन्हीं बोलियों से अपभ्रंश काव्य का आरंभ हुआ होगा। ये तो कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें थी, लेकिन हम फिर से विषय पर आते हैं क्योंकि विषय जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसके विषय में बहुत अधिक जानकारी चाहिए, लेकिन जितना हमें लिखना है उसका ज्ञान हमें अधिक चाहिए। तो हम फिर से विषय पर आते हुए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपभ्रंश जो 6 तरह की अपभ्रंश हमें देखने को मिलती है, शोरसेनी, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी और प्राचक, जो पूर्व पीछे उसका चार्ट भी हमने देखा था। तो ये 6 तरह की अपभ्रंश भाषाएं हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं उस अपभ्रंश की जिसमें से हमारी खड़ी बोली का विकास हो। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, देखें ये हमें पूरी तरह टिप्स पे होना चाहिए, किस तरह से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यहां से निकलती ही भाषा खड़ी बोली तक पहुंचती है। 6 तरह की अपभ्रंश, उसमें से एक शोरसेनी अपभ्रंश। सूरसेन अर्थात मथुरा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी, ये अपभ्रंश थी। इसी में तवर्ग का जो विकास हुआ गया, हम त थ द ध बोलते हैं, वो अधिकतर शोरसेनी अपभ्रंश में ही देखने को मिलता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास हुआ। यहाँ तक पश्चिमी हिंदी का संबंध है, हमने पहले भी आपसे बात की,
इसी में से खड़ी बोली का विकास हुआ, ब्रज भाषा का विकास हुआ, बुंदेली हरियाणवी और बांगरू भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी से मारवाड़ी मालवी मेवाती और जयपुरी का विकास हुआ। गुजराती से गुजराती भाषा का और पहाड़ी से गढ़वाली और डोगरी जो कि हमारी भाषा है जम्मू प्रदेश की हिमाचल में बोली जाती है, तो ये सारी की सारी भाषाओं का विकास जो था वो हमारे शोर सेमी अपभ्रंश में से हुआ। एक लंबे चौड़े प्रकरण के बाद हम पुनः शॉर्टकट में एक तरह से मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो आपके विषय जिसके विषय में आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए और ये आपके हर समय शब्द जो है एकदम से निकलने चाहिए कि हिंदी भाषा तक पहुँचते किन सोपानों में से भाषा गुजरेगी। तो प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत, उसके पश्चात लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। छह तरह से आपकी अपभ्रंश। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखें जिससे भाषा के संबंध में, खड़ी बोली के विकास के संबंध में आपको विशेष जानकारी मिल जाए। यदि ये चार्ट आपके सामने है, वैदिक संस्कृत आपको पता होना चाहिए कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें वैदिक संस्कृत हमें देखने को मिलती है, वैदिक संस्कृत के उदाहरण मैंने आपको बताए। उसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास, विशेषकर रामायण और महाभारत, कोई दो ग्रंथ आपको अगर लौकिक संस्कृत के लिखने हैं तो आपको कम से कम ये दो ग्रंथों का नाम, उनके लेखकों का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद पाली, बुद्ध धर्म की जो शिक्षा है, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है इसी भाषा में संकलित है, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। प्राकृत, हेमचंद्र शब्द अनुशासन और छह तरह की अपभ्रंश भाषा। उसके बाद शोर सैनी अपभ्रंश में से जो आपके कंसर्न की है उसमें से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास। पश्चिमी हिंदी में से ही खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और बांगरू का विकास। राजस्थानी से मेवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी का विकास। गुजराती का गुजराती, पहाड़ी में से गढ़वाली और डोगरी का विकास। अन्य जो हमारी भाषाएं थी, अपभ्रंश भाषाएं थी, उनमें से विकास उनके नीचे लिखे गए हैं। लेकिन कंसर्न हमारा फिर से वही कि खड़ी बोली जो हिंदी हम और आप बोलते हैं उसका शोर सैनी अपभ्रंश में से आगे चलकर विकसित हुई। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के विषय में अगर आपको कोई प्रश्न आता है, आपको कम से कम ये जो छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना चाहिए एक पैराग्राफ के रूप में कि हिंदी भाषा का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए विभिन्न सोपानों में से गुजरना पड़ा। हिंदी भाषा का संबंध आर्य भाषा परिवार से है, विद्वानों ने इसे भारतीय परिवार की भाषा कहा है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने के लिए हमें अतीत की गहराइयों में झांकना होगा। भाषा का प्राचीनतम स्वरूप जो उपलब्ध है वह है वैदिक संस्कृत, आगे चलकर लौकिक संस्कृत का प्रसार हुआ। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आए और ये पाली प्राकृत का सफर करते हुए अपभ्रंश तक पहुंची। उत्तर भारत में छह तरह की अपभ्रंश भाषाएं देखने को मिलती हैं, शोर सैनी, महाराष्ट्री, पेशाची, मालवी, अर्धमालवी और प्राचल। इसमें से शोर सैनी अपभ्रंश में से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में से जिन भाषाओं का विकास हुआ वे थी खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि खड़ी बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो मुगलों के शासनकाल में अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा, इस तरह से उर्दू सामने आई। जब खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ तो उसे शुद्ध हिंदी कहा गया। 1375 से 1900 विक्रमी तक ब्रज भाषा का बोलबाला रहा, अधिकतर साहित्य इसी भाषा में लिखा गया। आधुनिक युग में खड़ी बोली का कद बढ़ने लगा, शातवे खानों के आने से और साहित्य में गद्य की नई नई विधाएं आने से साहित्य को हिंदी खड़ी बोली में लिखना आसान हो गया। अतः साहित्यकारों ने अधिकतर इसी को अपनाया और इस तरह खड़ी बोली ने भाषा का रूप ले लिया। भारतेंदु युग में इसने अंगड़ाई ली, वेदी युग में यह उठ खड़ी हुई, छायावाद आते आते यह सरपट गया। जो भाषा कभी मात्र मेरठ, मुजफ्फरनगर, अंबाला के आसपास बोली जाती थी आज पूरा भारत उसे समझता और बोलता है। आज यह भाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का रूप ले चुकी है और इसे राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी का। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो आज प्रकरण मैंने पकड़ा था आपको ये अवश्य ही लाभकारी रहे, आपके लिए लाभकारी रहे। धन्यवाद।